आज हमारा स्पेशल सेशन है एक चाबी से 100 ताला खोलो, एक पद्धति से सैकड़ों बीमारियों का इलाज करें, आप घर बैठे करें, आपके डॉक्टर हर वक्त हर क्षण आपके साथ रहते हैं 24 आवर्स, आपका हॉस्पिटल है आपके साथ है। केवल जानने की जरूरत है कि हमारे डॉक्टर कैसे हर बीमारी का इलाज करते हैं। किसी ने ठीक ही कहा, जो पानी से नहाता है वह लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियाँ न केवल बीमारियों को अच्छा करती है बल्कि उसे जड़ से मिटाती है। तो आज हम जानेंगे एक ऐसी पद्धति के बारे में जिसमें न किसी तरह की दवा का उपयोग होता है, न इंजेक्शन का होता है, न ऑपरेशन का होता है। एक बार आपको सुनकर यह अजूबा लगेगा लेकिन यह हकीकत है, मुद्रा विज्ञान चिकित्सा में किसी भी तरह की दवा का उपयोग नहीं होता है। फिर भी घर बैठे स्वयं का डॉक्टर बन के हम अनेक बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और उसको जड़ से खत्म कर सकते हैं। आसन के बारे में सब लोग जानते हैं, रोज करवाए जाते हैं, प्राणायाम के बारे में भी जानते हैं, ध्वनि के बारे में भी जानते हैं, और जो नहीं करते वो टीवी के माध्यम से पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जानते हैं। लेकिन मुद्रा विज्ञान जो योग का सूक्ष्म अंग है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और मुद्रा विज्ञान से जो परिवर्तन होता है वो मेडिकल साइंस से भी संभव नहीं है, इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तन होता है। हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, हम बीमार क्यों होते हैं? हम बीमार इसलिए होते हैं, सबसे पहले पैसों की अंधी दौड़, व्यक्ति इतना तेज गति से भाग रहा है वह कहाँ जाकर रुकेगा किसी को मालूम नहीं। दूसरी बात, आकाश जितनी असीमित इच्छाएं, इतनी इच्छाएं हैं। आदमी पहले लखपति बनने का सपना देखता है, लखपति बनेगा फिर करोड़पति का सपना देखता है, करोड़पति बनेगा फिर अरबपति का, इस सपने कभी पूरे नहीं होते, तो ये भी आदमी को दुखी बनाता है। दूसरा, अस्त व्यस्त जीवन शैली, लाइफ पूरी अस्त व्यस्त है, टाइम टेबल से नहीं चलते हैं, खाने के टाइम सोना और सोने के टाइम खाना, इससे भी आदमी पूरा डिस्टर्ब होता है, डिप्रेशन टेंशन ये सब होने पर क्या होता है, क्रोध आवेग आवेश, हमारी श्वास की गति बढ़ जाती है, हम सोचते रहते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो हमारे अंदर शरीर के अंदर प्राण का संतुलन बिगड़ जाता है। फिर हम किसको माने हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ कौन? एकदम सिंपल भाषा में डेफिनेशन बता रहा हूँ, जिसे समय पर भूख लगती है वह स्वस्थ है, जिसे समय पर नींद आती है, सोते ही 2 मिनट में अगर नींद आ जाती है तो आप स्वस्थ है। बहुत से लोग बिस्तर में उलट फेर करते रहते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई टीवी देखते देखते सोते हैं, तो सोते ही ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में हमको नींद आ जानी चाहिए। सुबह उठते ही पेट अच्छे से साफ हो जाता है 10 मिनट, और सदैव प्रसन्न चित्त रहता वह व्यक्ति स्वस्थ है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका 5-5 दिन तक पेट साफ नहीं होता, जिनको भूख भी नहीं लगती फिर भी खाना खा लेते हैं, इसलिए एकदम सरल डेफिनेशन है। तो आज हम जानेंगे मुद्राओं के द्वारा हम कैसे इलाज कर सकते हैं। हर व्यक्ति टेंशन से गुजर रहा है, तनाव से गुजर रहा है, यहाँ तक बच्चे भी। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाओ, सेंस तीनों उंगलियाँ सीधी, इसको कहते हैं नॉलेज पोस्चर। ये माइंड से रिलेटेड है, मस्तिष्क संबंधी जितने भी प्रॉब्लम हो इससे दूर हो जाती है, ये पूरे स्नायु मंडल को प्रभावित करता है, चाहे अनमनापन हो, घबराहट, आवेश, डिप्रेशन, क्रैकनेस, पागलपन, यहाँ तक फिट की बीमारी का इलाज इससे संभव है। जिन्हें फिट की बीमारी है, चक्कर आती है, हथेलियाँ आकाश की ओर रहनी चाहिए और थाई पर रखिए आराम से, और जो कुर्सी पर और चेयर पर बैठे उनके नीचे आसन होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, जमीन पर पैर नहीं रहना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, सो टेम्परेचर है, सब्जी में नमक है, सब कम है, थाली उठा के फेंक देते हैं, कई बार ऐसी घटनाएं घटती है, यह मुद्रा करने से और डीप ब्रीदिंग करने से 3 मिनट में गुस्सा शांत हो जाता है, इतनी पावरफुल मुद्रा है। जिन लोगों को याद नहीं रहता है, छोटे बच्चे तो शिकायत करते हैं हमें याद नहीं रहता है, बड़े बुजुर्ग भी ये शिकायत करते हैं कि हमारी उम्र हो गई इसलिए याद होना कम हो गया, उन लोगों के लिए मुद्रा लाजवाब है।
बुढ़ापे में एक बीमारी होती है अल्जाइमर। आदमी घर पे कड़ी लगा देता है, ताला लगाना भूल जाता है, और कड़ी नहीं लगाता है, कुंठे को ताला लगा देता है, उसे ध्यान भी नहीं रहता है। इसको अल्जाइमर कहते हैं। कौन सी चीज कहाँ रखी भूल जाता है। और हमने हजारों हजारों ऐसे वृद्ध लोगों को ये प्रयोग बताए हैं, उनका अल्जाइमर एक महीने में ठीक हुआ। आप समझ गए ना, इतना पावरफुल मुद्रा है, दिखने में बहुत छोटी है, ये बहुत जबरदस्त मुद्रा है। अगर ये मुद्रा करेंगे तो नेगेटिव नकारात्मक विचारधारा बिल्कुल नहीं आएगी, हमेशा पॉजिटिव रहोगे। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, नींद के लिए स्लीपिंग डोज लेने पड़ते हैं, या ज़्यादा नींद आती है तो इससे संतुलित हो जाता है। एक्यूप्रेशर के अनुसार ये मुद्रा करने से अंगूठे में पीनियल और पिच्यूटरी के पॉइंट्स आए हुए हैं वो दबते हैं तो उनके स्राव संतुलित हो जाते हैं। जो बच्चे बहुत चंचल होते हैं, बच्चा 40 मिनट में खिलौना तोड़ देता है, बहुत चंचल होते हैं, हवा के वेग की तरह दौड़ते हैं, तो यह मुद्रा करने से उनकी चंचलता कम हो जाती है। जो बहने कॉस्मेटिक यूज करती है, प्रसाधन सामग्री यूज करती है, अगर ये मुद्रा करे तो कॉस्मेटिक यूज करने की जरूरत नहीं है, चेहरे पर ग्लो अच्छा रहेगा, हमेशा ग्लो रहेगा। इस मुद्रा की कोई लिमिट नहीं है, चाहे उतनी कर सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा चलते फिरते उठते बैठते ट्रेन में बस में सोते सोते कहीं भी ये मुद्रा कर सकते हैं। माइंड से रिलेटेड जितनी बीमारियां है, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, कैंसर, सब में राहत मिलती है। विशेष तौर से डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के लिए अच्छी है। अगर आपको वजन घटाना है, वजन घटाने में भी ये मुद्रा काम करती है। यदि आप 1 घंटा रोज करते हैं डेली तो इससे वजन भी कम होता है। माइग्रेन का दर्द, आधा सीसी ये मुद्रा करें और उसके बाद प्राण मुद्रा करिए। फर्स्ट ज्ञान मुद्रा, सेकंड थर्ड और फोर्थ फिंगर, ये दोनों मुद्राएं एक साथ करने पर माइग्रेन का दर्द ठीक होता है। हार्ट से रिलेटेड तकलीफ में भी ये मुद्रा अच्छा काम करती है, तो इतनी पावरफुल है। वैसे अब सेकंड मुद्रा बता रहा हूँ, आकाश मुद्रा। सेकंड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, इसे कहते हैं स्काई पोस्चर। स्काई पोस्चर देखिए, खाली नाखून के नीचे टच करना है। हड्डी संबंधी जितने भी प्रॉब्लम हो, हड्डियों में कटकट की आवाज़ें आती है और कैल्शियम की कमी हो गई है, आपको आश्चर्य होगा ये मुद्रा करते ही हमारे शरीर में ऑटोमेटिक कैल्शियम का निर्माण होने लगता है। कभी सुना है आपने? हमारा शरीर हर बीमारी का इलाज करता है। ये अंगुली टच हुई, ऑटोमेटिक कैल्शियम बनना शुरू हो जाता है। शरीर में सब व्यवस्था है। जरा सा आदमी चलता है, गड्ढे में पैर रखता है, हड्डी क्रैक हो जाती है तो इससे नहीं आती। ये करने से आप में हड्डियों में जो खटखट की आवाज आती है, हड्डी कमजोर है, वीक है, इससे ठीक हो जाती है। दूसरी बात, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां, एंजाइना पेन, पल्स रेट बराबर नहीं हो, ब्लड प्रेशर हाई लो, तो ये मुद्रा अच्छा काम करती है। इसके अलावा जब हम खाना खाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, श्वास नली में भोजन का कण चला जाता ना, फिर हमें खांसी आती है। श्वास नली में जो भोजन का कण चला जाता है इसलिए वो खांसी आती है, और जब तक नहीं निकलेगा कभी कभी तो मौत हो जाती है। कोई बड़ा कण चला जाए, बड़ा टुकड़ा चला जाए तो आदमी की मौत भी हो सकती है। अगर आप लेफ्ट हैंड से आकाश मुद्रा करते हुए खाना खाएंगे तो श्वास नली में भोजन का कण नहीं। और दूसरी बात, एक पानी का ग्लास भी साथ में लेके बैठिए। खाना खाते समय पानी नहीं पीना, लेकिन कभी ऐसा हो जाए तो तुरंत एक घूंट पानी भी पी सकते हो, तो ये बहुत अच्छी मुद्रा। अब जिन लोगों के जॉइंट्स में तकलीफ है, घुटने का जॉइंट, कोहनी का जॉइंट, अगर जॉइंट्स की तकलीफ हो तो संधि मुद्रा करिए। राइट हैंड की थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, सेकंड हैंड की लेफ्ट हैंड की सेकंड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, इसे संधि मुद्रा कहते हैं। जॉइंट से रिलेटेड कोई भी बीमारी इससे ठीक हो जाती है। नाम भी संधि मुद्रा है और जॉइंट को ठीक करती है। दूसरा, जिन लोगों को आवासी आती है, कभी कभी आवासी आते समय लोग जा हो जाता है, जबड़ा फंस बोलते हैं, मुंह खुलता भी नहीं बंद भी, ऐसा भी होता है, तो तुरंत आप इस अंगुली से चुटकी बजाइए। देखिए चुटकी इसी अंगुली से बजाइए या फिर इस अंगुली पर रब करिए, तुरंत आपका जो लोकजा होता है वो ठीक हो जाता है।
और माला फेरने का विधान भी इसी उंगली से।